नमस्कार बिल्कुल भी नहीं होगी और ना ही कोई स्वागत होगा। जितना तुम बचकर निकलोगे हम टकराएंगे तुमसे, और बगावत किसको करनी है, ये हक की लड़ाई है तुमसे। दोस्तों आज बहुत दिन हो गए थे और बहुत दिल में गुस्सा भरी हुई थी इन सब बातों को लेकर के। मैंने सोचा आज क्यों ना निकाल दी जाए। 5 साल से हम लोग मोदी जी के मन की बात सुन रहे हैं, आज वक्त है कि ये बात मोदी जी के मन तक पहुंचनी चाहिए। आज हमारे मन की बात मोदी जी तक पहुंचते रहिए। आज पहली बार मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि वो जरूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारी बातें करने को। सबसे पहली बात तो मैं उन लोगों को जवाब दे दूं जो ये कहेंगे कि ये बात आपको सरकार से शिकायत करनी चाहिए और आप मोदी जी से शिकायत कर रहे हैं। क्योंकि मैं जहां भी पंपलेट पोस्टर देखता हूं, आज चुनाव का दौर है, जहां भी मैं कुछ देखता हूं तो मुझे एक ही बात दिखाई देती है, अब की बार मोदी सरकार, यानी सरकार का नाम बदल के मोदी सरकार हो गया है। आज को ये नहीं कहता कि भारत सरकार ने ऐसा किया, आज लोग कहते हैं मोदी सरकार ने ऐसा किया, क्योंकि मोदी जी सरकार का दूसरा नाम बन चुके हैं। तो ये शिकायत आप सरकार से समझ लीजिए चाहे मोदी जी से समझ लीजिए, ठीक है। तो शिकायत क्या है भाई, शिकायत यह है कि मोदी जी आजकल इतने, मोदी जी ने इंटरव्यू दिया, पिछले 3-4 साल से मैं लगातार मोदी जी के इंटरव्यू फॉलो कर रहा हूं और देखता हूं कि बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मोदी जी ने किसी भी वीडियो में, किसी भी इंटरव्यू में रोजगार की बात नहीं की। रोजगार से वो बचते जा रहे हैं और मोदी जी ये कहते हैं कि हमारा देश युवाओं के हाथ में, आगे आने वाला भविष्य युवाओं के हाथ में होगा। कौन से युवाओं के हाथ में होगा जो आज रोटी के लिए परेशान है? आप किस युवाओं की बात करते हैं? मोदी जी मेरी कसम है आपको कि आपको अब रोजगार पे जवाब देना पड़ेगा। आपने रोजगार दिया तो नहीं, डिमोनेटाइजेशन के बाद आपने 2 करोड़ लोगों से रोजगार छीन लिया। आज लोग दर दर घूम रहे हैं, प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलती, सरकारी नौकरी भी नहीं है। क्या हमें नहीं लगता कि सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि वो देखे कि अगर 100 लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं तो उसमें कितने लोग ऐसे बच गए जिनको रोजगार की जरूरत है SSC UPSC के थ्रू? आप बताइए, UPSC में 1000 वैकेंसी आती हैं, चलिए बहुत अच्छा चल रहा है। एक SSC जिसके बारे में लोगों को नहीं पता हो तो मैं आज बता दूं, SSC की इतनी दुर्दशा है मोदी जी। आपने अगर इंटरव्यू देखते हो, आप TV फॉलो करते हो तो आपको पता होगा 2017 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हमने किया, इतने सारे लोग जमा हुए कि भाई CBI जांच होनी चाहिए। उस 2017 के आंदोलन को आज 1 साल से ज्यादा हो गया और कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया। आज 2019 चल रही है और 19 में हालात ये हैं कि 2017 का रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ, ये तक हमें नहीं पता कि पेपर कैंसिल होगा नहीं होगा, किस कगार पे खड़ा हुआ है पेपर। 2018 का पेपर 4 जून से प्लान्ड है, लेकिन आज भी आप किसी बच्चे को पूछो कि तुम्हारा पेपर कब से, उसे पता नहीं है। मतलब 26 दिन पहले बच्चे को यह पता नहीं है कि उसको एग्जाम देना है या नहीं देना, किस भरोसे में वो पढ़े, किस डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं? जब भी कोर्ट में जाते हैं, पिछले 10 हियरिंग से मैं नोटिस कर रहा हूं, 10 हियरिंग हो गई मुझे नोटिस करते करते, ऐसा सुनने में आता है आज ये वाले जज साहब नहीं आए, आज हियरिंग थी तो आज वकील साहब नहीं आए। अरे काय बात का डिजिटल इंडिया है। पहली बात तो कुछ चीजों की प्रायोरिटी होनी चाहिए, और अगर कुछ चीजों की प्रायोरिटी नहीं हुई कोई बात नहीं, तो डिजिटल इंडिया का मतलब क्या है? क्यों एक एक सुप्रीम कोर्ट में बड़ी स्क्रीन नहीं लगवाई जा सकती कि अगर कोई इंसान अवेलेबल नहीं है तो उससे डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस में बात की जा सके? बताइए आप, मोदी जी इतने विदेश दौरे कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि डिजिटल इंडिया का यूज जो मोदी जी हमें सिखा रहे हैं वो खुद क्यों नहीं करते। मोदी जी के पास तो इतना बड़ा सेटअप है कि मोदी जी एक बड़ी स्क्रीन अगर लगवा लें तो सारी विदेश मीटिंग यहीं बैठे बैठे हो सकती है। भाई बहुत बुरा हाल देश का हो गया है, लेकिन फिर भी लोग एक ही बात कह रहे हैं, हर आदमी से मिलो वो यही कहता है, खुद मैं कह रहा हूं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब लोगों का एक जवाब आएगा, जी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। मैंने मान ली ये बात, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। मैं कौन सा मोदी जी को हटाने की बात कह रहा हूं? मैं कौन सा कह रहा हूं कि आप BJP को वोट मत दो? मैं तो खुद BJP को वोट दे दूंगा। बताओ, मैं हटाने की बात नहीं कर रहा। अगर मेरे पिताजी कुछ गलत कर रहे हैं तो मुझे उनसे शिकायत करने का हक है। आज देश में ऐसा हो रहा है कि जो भी मोदी जी के खिलाफ बोलता है लोग कहते हैं तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है। अरे हम मोदी जी को हटाने की बात नहीं कर रहे, जो शिकायत मोदी जी से है कि मोदी जी इतनी तमाम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो कभी रोजगार पर बात नहीं करते। बहुत ही दुख की बात है। आप मुखर्जी नगर में आके देखिए, जो लोग इस बात से सहमत नहीं है कि आप बच्चों की इतनी बुरी स्थिति है कि रोते हैं, वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं वो, कि करें तो करें क्या? 3 साल में हमें एक नौकरी नहीं मिल पा रही, एक ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही, भविष्य जाएगा कहाँ? फिर लोग कह देते हैं कि अरे आप एलिजिबल ही नहीं हो, आप में उतना टैलेंट ही नहीं है। अगर टैलेंट नहीं है तो बच्चा ग्रेजुएट कैसे कर लेता है? आप उसे फेल क्यों नहीं करते? आप 10वीं के बाद ही मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात की थी, मुझे याद आया कि मोदी जी ने एक बार रोजगार पे बात की थी और उस दिन कहा था मोदी जी ने कि पकौड़ा बेचने वाली बात कही थी, फिर लोगों ने उसको कहा कि इसका इंटरप्रिटेशन लोगों ने गलत किया है। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि मोदी जी इतने पढ़े लिखे हैं क्या वो देश को जानते नहीं है? वो तो खुद कहते हैं मैं बहुत जमीनी स्तर से उठाऊं, वो नहीं समझते कि जनता को कैसी बातें समझ में आएंगी? क्या वो बातें क्लियर नहीं बोल सकते? हर बात का एक्सप्लेनेशन बाद में ही आएगा। मोदी जी जब भी अपने किसी इंटरव्यू में बात करते हैं तो अपनी चाय वाली बेचने वाली बात को से सिंपैथी बटोरते हैं और ये कहते हैं कि मेरे जीवन का दुख था। तो आप चाय बेच रहे थे तो जीवन का दुख था, आपने PM बनने का सपना क्यों पाला भाई? बताओ,
और आप दूसरों से कह रहे कि आप पकौड़ा बेच के भी बड़ा रोजगार कर सकते हो, आप भी तो चाय बेच के बड़े रोजगार कर सकते थे, आप भी तो पीएम बने ना, आपकी भी तो इच्छाएं बड़ी थी, ऐसे हर आदमी की बड़ी है। मोदी जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, एक ही विनती है कि आप रोजगार पे कुछ बोलो, कुछ बात करो। इस देश का युवा बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, इस दिल का दर्द आप नहीं समझ सकते, कौन समझेगा। आप पीएमएम किससे शिकायत करें, किससे कहें बताइए। आज देश में कोई आंदोलन हम नहीं कर सकते भाई, इतनी तगड़ी तानाशाही है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपको फंसा दिया जाएगा। तो कैसे अपने दिल की बात कहें, कैसे जिए बताइए इस संसार में, जहां लोग ग्रेजुएट करके, बच्चों की ये स्थिति है मुखर्जी नगर में कि 2013 का बीटेक करके बच्चा आया, 5 साल से यहीं पढ़ा है, कैसे उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, कैसे उसको दुख नहीं होगा बताइए। अब दूसरी बात, मोदी जी हर बात में ये कह देते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा नारा निकाला अभी, मेरे को तो इस बात पे बड़ी हंसी आई कि चौकीदार नरेंद्र मोदी। आप देश की इतनी सम्मानित पोस्ट में, लोग आपको इतनी रेस्पेक्ट करते हैं और आप ऐसे काम कर रहे हैं, बताइए चौकीदार नरेंद्र मोदी क्या सेंस बनता है। आप कहते हैं कि मैं भारत की प्रतिष्ठा को विदेशों में बढ़ा रहा हूं। अगर कोई विदेश का बंदा चौकीदार का मतलब इंटरनेट पर डिक्शनरी में सर्च करता है तो एक सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कुछ नहीं आता, आप सर्च करके देख लीजिए गूगल पे। तो आप ऐसे शब्द लगा देते हैं, और कैसे आप चौकीदारी की बात भी कर सकते हैं, वो भी उस दौर में जब पुलवामा अटैक हुआ, हमारे देश के अंदर इतना आरडीएक्स आ गया। खैर मुझे उन सब बातों से इतना वो नहीं है कि राफेल की फाइल चोरी हो गई तो मेरे को कोई बहुत बड़ी इससे शिकायत है। ठीक है, आप इतना करप्शन कोई भी सरकार करती है तो जायज है, कोई बात नहीं, उसका भी अपना अलग तरीका है। दूसरी बात, आप भी इतने श्योर थे, जनता भी इतनी श्योर थी कि कुछ भी कर लो आएगा मोदी, जब पता ही थी तो 9,000 करोड़ रुपये चुनाव में क्यों खर्च करने थे, आप यही देश के युवाओं में बांट देते, उससे ही हमारा बहुत भला हो जाता। तो मोदी जी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरी बहुत रिक्वेस्ट है कि आप अगले इंटरव्यू में जरूर युवाओं के बारे में कुछ बोलें। ये युवा जिस दिन भड़क गया, देश की सड़कों पे उतर गया, बहुत मुश्किल हो जाएगी संभालना, आपको पता नहीं है जिस दिन बेरोजगारी विस्फोट होगा तब क्या होगा। अभी आप इस चीज को बहुत हल्के में ले रहे हैं, आप कुछ आप खुद देख लीजिए, आप पता तो करिए कि आपके एसएससी के हालात क्या हैं, आप एसएससी के चेयरमैन से एक बार पूछिए तो सही, आप अपनी टीम को बोलिए तो सही कि हालात क्या हैं, कि 2017 का पेपर अभी तक क्लियर नहीं है। मोदी जी किसको पढ़ाएं, क्या करें, हम तो टीचर थे, आप कहते हैं ना कि कुछ रोजगार ढूंढ लीजिए, हमने रोजगार ढूंढ लिया था, हम टीचर थे, अब बताइए किसको पढ़ाएं, किसको पढ़ाएं और क्यों पढ़ाएं, कोई पर्पज ही नहीं पढ़ाने का, जब पेपर ही नहीं हो रहा तो किस बात के लिए पढ़ाएं और क्यों पढ़ाएं, मुझे आप बताइए कोई मतलब है पढ़ाने का, क्या करें हम, हमारा भविष्य भी खतरे में। और आप रोजगार पे कुछ बोलते नहीं, आपने इतने बड़े बड़े इंटरव्यू दिए, अब तो मीडिया चैनल भी इस पे कोई कमेंट नहीं करता है, कुछ भी नहीं उठाता, मतलब इस चीज को इतना छोटा लिया जा रहा है, जहां पे आप बार बार युवाओं के भविष्य की बात करते हैं वहां इस चीज को इतना छोटा लिया जा रहा है, इतना छोटा लिया जा रहा है कि आप बात ही नहीं करते उस टॉपिक पे। कितने दुर्भाग्य की बात है ये हमारे देश की, कि आज हमारे देश में 40% युवा है जो नौकरी के लिए भटक रहा है तलाश, और आपको क्या लगता है कि जरूरत नहीं है, कुछ लोग कहेंगे नौकरी की जरूरत नहीं, उतने टैलेंटेड लोग नहीं है, अरे टैलेंटेड तो बाद में बनाया जाता है, जब आप CDS का भी एग्जाम देते हैं तो उस वक्त आपके पास ऑफिसर लाइक क्वालिटी नहीं होती, वो बाद में जनरेट की जाती है ट्रेनिंग करके, बस ये देखा जाता है कि आप में वो दिमाग है या नहीं, आप में ये क्वालिटी जनरेट हो सकती है या नहीं हो सकती, लाई जा सकती है या नहीं लाई जा सकती, बात को समझ रहे हैं। बहुत ही दुख है, इतना फ्रस्ट्रेशन हमें हो गई है, बच्चों का तो पूछिए मत, रोज इतनी चिट्ठियां हमारे पास आती हैं, इतनी चिट्ठियां रोज हमारे पास आती हैं जिनमें यही लिखा रहता है कि सर मैं अपनी लाइफ से बहुत डिप्रेस हो चुका हूं, डिप्रेशन में जा चुका हूं और मुझे अभी जिंदगी खत्म करनी, इतने सारे लोगों की काउंसलिंग करनी पड़ती है, जब हम जान पाते हैं 10,000-15,000 बच्चों से मिलना होता है कि उनके दुख की क्या स्थिति है, पड़ोसी उनको नहीं जीने दे रहे, घर वाले उनको नहीं जीने दे रहे, करें तो करें क्या। और हमारी प्रशासन क्षमता में बाकी लोगों की जरूरत है, हमारी न्याय व्यवस्था में लोगों की जरूरत है। आज मुझे लगता है कि एक ब्लॉक लेवल पे कोर्ट होना चाहिए, हर डिसीजन पेंडिंग में चला जा रहा है, हर डिसीजन पेंडिंग में चला जा रहा है। मोदी जी भगवान का रहम खाइए आप, आपको पता है लोग आपको कितना प्यार करते हैं, लोग अंधवक्त बने हुए हैं आपके लिए, तो आप इस चीज का गलत फायदा मत उठाइए, थोड़ा बहुत तो लोगों के लिए करिए, कम से कम इस देश के युवाओं के लिए करिए। आपको क्या पड़ी रहती है कि आप राहुल गांधी के बारे में बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आता, अगर आप यही दो शब्द राहुल गांधी के बारे में ना बोल के देश के युवाओं के बारे में बोलेंगे और अपनी पॉलिसी बनाएंगे तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छा होगा, लोग भी इससे बहुत खुश होंगे। आपको जरूरत नहीं है राहुल गांधी के बारे में बोलने की, क्या जरूरत पड़ी आपको। आप राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार के रूप में देखते हैं तो बहुत गलत देखते हैं, या जनता देखती है तो भी गलत देखती है। राहुल गांधी वो इंसान है जिसने 2 बार मौका मिलने के बाद पीएम का पद छोड़ दिया, उसके लिए छोटी बात है भाई, उसके पिताजी पीएम थे, उसकी दादी पीएम थी, उसके लिए क्या है, पीएम की गोद में खेला है वो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता पीएम बनने से, तो आप उसके बारे में क्यों ही बोलते हैं, बेकार में टाइम खराब करते हैं, इससे ज्यादा आप देश के युवाओं के बारे में बोलें, रोजगार के बारे में बोलें तो फायदा होगा।
तो मोदी जी आपसे यही रिक्वेस्ट है हमारी और हाथ जोड़ के ये विनती है, ये वीडियो उन तक पहुंचना चाहिए कि यहाँ हालात बहुत ख़राब है मुखर्जी नगर में। जो संस्थाएं दो ही थीं जो इसका एग्ज़ाम कराती हैं, आप देख लीजिए किसी भी राज्य में कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं हो रहा है यूपी एमपी हरियाणा में जो एक बार कैंसिल नहीं हो रहा, हर एग्ज़ाम एक बार कैंसिल हो रहा। हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी ख़राब हो चुकी है जिसकी कोई हद नहीं है, हर पेपर आउट हो जाता है, हर पेपर आउट हो जाता है। अब बच्चों को भरोसा नहीं रहा आगे आने वाले टाइम में क्या स्थिति होगी, ये हमें दिख रहा है। आगे आने वाले टाइम में लोग कैसे लेंगे पेपर को, कोई भी एग्जाम आता है रेलवे का उससे पहले ही आ जाता है कि भाई इतने लाख में इसकी ये पोस्ट बिक रही है, इतना हाई लेवल करप्शन है, उसके बाद वो पेपर आउट होता है, 3 साल उसी में लग जाती है, 3 साल बिगड़ गई बच्चों की। 2017 वाला बच्चा आज 2019 में भी दर दर की ठोकरें खा रहा है, क्या करे वो। बहुत ही बुरी समस्या देश में हो गई है रोजगार को लेकर के, और इस पर अब मोदी जी आपको जवाब देना पड़ेगा और आपको बात करनी पड़ेगी, नहीं तो ये इस देश का युवा सड़कों पे उतरेगा और आंदोलन करेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगी उस वक्त। और आपको सब बहुत प्यार करते हैं, आपने देखा होगा लोग आपको कैसे आपकी अंधभक्ति करते हैं, मोदी सरकार मोदी सरकार, तो आपको नहीं लगता कि भगवान आप पे रहम कर रहा है, आपको इस चीज़ का बदला चुकाना चाहिए लोगों के साथ अच्छा करके। और आप पता नहीं किन किन बातों पर चर्चा करने पर लगे हुए हैं, आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं अपने चुनाव में, क्यों कर रहे हैं आप ये सब। आप तो अपनी पॉलिसी बताइए कि मैं दोबारा आ रहा हूं और ऐसा ऐसा करूंगा, जरूरत ही नहीं है आपको, आपको तो प्रमोशन की भी जरूरत नहीं है, आपको दूसरे लोगों की कमियां तो उसको बताने की जरूरत है जिसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया हो, आपको तो दिल तक लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, उसके बाद आप ये सब कर रहे हैं, आप किसी इंटरव्यू में बोलते नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी जी आप अगले इंटरव्यू में आप जरूर बोलेंगे इस बात पर कि हमें रोजगार देंगे, इस बात पे आप चर्चा करेंगे। और जितनी भी ये खामियां हैं आप एक बार पूछिए, मैं आपको बता रहा हूँ एसएससी में बहुत बुरे हालात हैं, 2017 का पेपर आज 2019 तक क्लियर नहीं हुआ। और एक नया ट्रेंड और चला है 2012 के बाद, लोग गलत क्वेश्चन डाल के बच्चों से पैसे वसूल रहे हैं, सरकारी संस्थानों की बात कर रहा हूँ मैं, FCI की, UP SSSC की और SSC की, कि एक एक पेपर में 100 में ये लोग 10-10 सवाल गलत डाल के बच्चों से 100-100 रुपये ठग रहे हैं कि गलत सवालों का रिप्रेजेंटेशन भेजो, कुछ करो इसके लिए। बहुत गलत दिशा में जा रहा है हमारे देश का युवा। फिर आप कहेंगे कि कैसे क्राइम बढ़ रहा है, फिर आप कहेंगे कि कैसे लोगों से गलतियां हो रही हैं, क्या करेगा इंसान जब ऐसे हालात होंगे। तो मेरे पास लोग आते हैं बोलते हैं कि मैं 3 दिन से फुटपाथ पे सो रहा हूं, क्या करूं, अब घर से पैसा आना बंद हो गया। और घर वाले भी कब तक पैसा दें, जो लोग SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं घर वाले बहुत सपोर्टिव नहीं है, या बहुत पैसा उनके पास नहीं है तभी वो इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, और ना ही उनके पास बहुत ज्यादा दिमाग है। तो मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं इस वीडियो में इतना ही कहूंगा कि आप जरूर बोलो ये रोजगार पे, और जहां जहां भी आप जा रहे हैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है जो वीडियो देख रहे हैं कि जब भी वो किसी सभा में जाते हैं तो मोदी जी से ये सवाल जरूर पूछें कि आपने रोजगार पे क्या करना है। इस बार तो आपने कोई बात ही नहीं की, पिछली बार जब आप आए थे आपने कहा एक टैगलाइन थी अच्छे दिन आने वाले हैं, अब आपने अच्छे दिन पे कोई बात ही नहीं की, अब सिर्फ आप कांग्रेस अदर पार्टी इन सब को ही पॉइंट आउट कर रहे हैं। अच्छे दिन ना आपने ये बताया कि नहीं आ पाए वो, अब इस तरीके से आएंगे, जो कमियां रह गई हम उनको पूरा करेंगे, आप इस बात पर कुछ बोल ही नहीं रहे, जबकि आपके पास ऐसा नहीं है वक्त की कमी। अभी आपने एक नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू दिया जिसमें इतनी बिना वजह की बातें की गई कि आप आम कैसे खाते हैं, ठीक है आप एक सेलिब्रिटी हैं, ये सब बातें सुनना हमें भी आपकी अच्छा लगता है, हम भी जानना चाहते हैं कि तरीका कैसा है, लेकिन काम की बातों पर भी तो आप दो बात करिए बताइए। और मुझे लगता है कि आप इस बात को बहुत पॉजिटिव लेंगे और जरूर समझेंगे, ठीक है। और मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करें, क्योंकि बहुत बुरे हालात बेरोजगारी को लेकर होने वाले हैं। और अब ये मत कहिएगा कि जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए बेरोजगारी बढ़ गई, अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो रिसोर्सेज भी बढ़ रहे हैं, बहुत रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, टैक्स भी डबल हो गया है सरकार के पास जो पहुंच रहा है, सारी चीज़ें डबल हो गई हैं। तो ये अगर कोई कहता है कि, और दूसरी बात लोग ये भी ना कहें कि मैं बदलाव चाहता हूं, बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं अपने पिताजी से भी शिकायत कर सकता हूं अगर वो गलत कर रहे हैं, तो ना कि मैं उनको बदलने की बात कर रहा हूं, मेरी शिकायत है ये मोदी जी से और रिक्वेस्ट भी है कि इस बात पर जरूर गौर फरमाएं, ठीक है। चलिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।